रविंदर जी, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिलीप, प्रत्यक्ष प्रांगण में मौजूद मेरे समरणालय परिवार के मेरे सभी परिवार के साथीगण, पत्रकार मित्रों और सहरसा जिला के अन्य जगह से आए हुए अति विशिष्ट गणमान्य जनतागण, सर्वप्रथम मैं जिला पदाधिकारी के नाते आप सभी को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले आज 14 सितंबर को ही हम क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं? राजेंद्र सिंह का जन्म था, जिसमें जन्मदिन है, इसलिए त्योहार से हिंदी साहित्य का एकदम। 1949 में व्यवहार राजेंद्र सिंह जी का 50वां जन्म दिवस था, उसमें संविधान सभा ने राजभाषा का हिंदी को स्थान दिया और 1953 में 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया, जब राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति ने, जिसका हेडक्वार्टर वर्धा में है महाराष्ट्र में, उन्होंने लगा वहां पे वो संस्था लगातार इसके लिए अपना प्रचार प्रसार कर रही थी। उनकी जो रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस का को मनाया गया और उसके बाद निरंतर हर साल इसको मनाया जाता है। आज की डेट में राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति के 22 क्षेत्र कार्यालय हैं, 7,500 से ज्यादा शिक्षा केंद्र हैं और ये संस्था लगातार हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ना कि एक राज्य में, ना कि एक हमारे भारत देश में, अपितु पूरे विश्व में इसके प्रचार के लिए लगातार कार्य कर रही है और इनके इसके अंतर्राष्ट्रीय जो है कार्यालय भी है। उस समय अब हिंदी है, हिंदी का शब्द आया हिंद से, हिंद एक बहुत पुराना हमारा विचार है, ये हजारों साल पहले का, लेकिन इसको सबसे ज्यादा बल दिया जब हमारे महारत्न भारतेंदु और प्रेमचंद जैसे महाकवियों ने और साहित्यकार जब इसको ताकत दिए तो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और तेज हुआ और खासकर स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा ने अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो विचार था, जो एक राष्ट्र के लिए जो एक भावना की उत्पन्न करने की जो एक भाषा एक संस्कृति की रीढ़ की, वही पेड़ किसी भी तूफान में खड़ा रह सकता है जिसकी जड़ें मजबूत हों और जिसमें लचीलापन हो। कि अगर तूफान है तो वो तूफान के साथ मुड़ेगा, लेकिन जब तूफान हटेगा वापस खड़ा होगा। जो पेड़ अकड़ के खड़ा होगा उसको तूफान उखाड़ के ले जाएगा, और अगर जड़ें मजबूत नहीं है। मेरे टीम के सभी साथियों ने इस बात को केंद्रित किया कि हिंदी भाषा के लिए हमें ये गर्व का विषय हमारे लिए, ठीक है हम अन्य भाषा भी सीखें उसमें कोई बुराई नहीं है, यह राष्ट्र विविधता का है, डायवर्सिटी का है, हम जितनी और चीजें सीखेंगे और अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं खोना। हम किस संस्कृति से आते हैं, हमारा परिवेश क्या है, हम उस जड़ को जिस दिन खो देंगे उस दिन हमारा ये पेड़ उखड़ जाएगा। दूसरा, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है तो वो तूफान है कि हम उसको लचीलापन नहीं रखेंगे तो भी हमारा पेड़ उखड़ जाएगा। अगर हम वेस्टर्न कल्चर के बारे में सोचते हैं तो उसकी अच्छाइयों को लेने की आवश्यकता है कि हम वहां की शिक्षा से एक खुला दिमाग हमारा होना चाहिए कि जहां पे एक बराबरी का जो परिवेश आता है उसको हमको सीखना चाहिए। हम हर मंच से आप लोगों को सहरसा में ये बात बोलते हैं और याद दिलाते हैं, अपने आत्म आकलन करने के लिए हमें हम हमेशा इस चीज के लिए विवश करते हैं कि आज क्या हमारे घर में पुरुष और महिला साथ बैठ के एक ही टेबल पे खाना खाते हैं? जब घर में खाना बनता है तो घर का सभी लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं। ये है जो हमें वहां की संस्कृति से सीखना है, ना कि सबसे पहले वेशभूषा और भाषा के बारे में। ये सीखना है कि
जो हमारे बेटे और बेटी उनको हम बराबर की शिक्षा दे रहे हैं, हर किसी को एक बराबर की नजरिए से देख रहे हैं। मानवता और इंसानियत हमारे लिए सबसे पहला अध्याय होना चाहिए कि सामने वाले का क्या लेवल है, उसके बाद हमको कोई निर्णय देना। तो इन अच्छी बातों को हमें सीखना है, हर एक संस्कृति से अच्छी चीजों को सीखना, हर एक व्यक्ति से अच्छी चीजों को सीखना। उसी माध्यम पे हिंदी भाषा हमारा जड़ है, उस जड़ को हमें कभी भी नहीं छोड़ना। कुछ तथ्य हम सामने रखना चाहेंगे। अगर कोई बताना चाहेगा कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, प्रथम भाषा के रूप में मैंडरिन चाइनीज, दूसरे नंबर पे स्पेनिश है, तीसरे नंबर पे इंग्लिश है और चौथे पे हिंदी है। लगभग 34 करोड़ लोग पूरे दुनिया में हिंदी भाषा बोलते हैं, जो कि पूरे दुनिया के 4.4% पॉपुलेशन होती है। और अगर हम पहली भाषा बोलने वालों और दूसरी भाषा बोलने वालों को अगर मिला दें, तो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी। पहली भाषा मतलब हम आम, मतलब ये तो स्वाभिमान का विषय है, ये हमारे लिए गर्व का विषय, पूरी दुनिया की बात हो रही है। भारत में नहीं, लगभग 30 देशों में हिंदी बोली जाती है। हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के 150 स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। तो हम यहां पे अपने जहां पे हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, वहां पे तो मैं गर्व से हिंदी के लिए बोल रहा हूं। और लगातार इसका जितना हम सत्यकम भी वही चीज बोल रहे थे कि हमें जितना हमारे दिनचर्या में हिंदी को हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बता सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी जो नई पीढ़ी है, क्योंकि नई पीढ़ी आज की डेट में इंटरनेट, व्हाट्सएप और इन दुनिया में इतनी बह चुकी है कि उसको समझ जाने की जरूरत है कि हमको अपने जड़ को, अपने परिवेश को नहीं छोड़ना है। जब वो मजबूत रहेगा तभी हम आगे जाएंगे। तो भाषा की बात हो, चाहे आप जहां से जुड़े हुए हैं, हम सब की आइडेंटिटी यहां पे, हम सब की पहचान एक बिहारी के रूप में है। हम बिहार से बाहर जाएं, देश में कहीं जाएं, दुनिया में कहीं जाएं, हमको गर्व होना चाहिए हम बिहारी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. आपको जो और सीखना सीखे उसमें कोई बुराई नहीं, वो जो समय की मांग है उसके साथ सीख के आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी जड़ को कभी भी नहीं छोड़ना।